पार्ट नंबर है 14, लास्ट पार्ट है हमारा। और जैसे प्ले करते हैं, देखते हैं हमारी नफीसा खान और हमारी नज़ीरा खान। हेलो बेटे, मेरे परिवार से उलझने से पहले मेरे बारे में जान लेते तो अच्छा होता। जय हो।
मेरे भाई के बारे में दिखाया जा रहा है या कहा जा रहा है वो सब झूठ है। उसने तो एक अच्छाई की चेन शुरू की है कि थैंक यू बोलने के बजाय आप तीन लोगों की मदद कर दीजिए और उनसे कहें कि वो आगे तीन लोगों की मदद कर दें। ऐसे इंसान के बारे में कोई कैसे कह सकता है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। सर आप लेटे रहिए प्लीज, यू आर स्टिल क्रिटिकल सर। लेकिन डॉक्टर आप मेरी फिक्र मत कीजिए, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इस वक्त मैं ठीक हूं तो सिर्फ जय अग्निहोत्री की वजह से। लेकिन होम मिनिस्टर दशरथ सिंह तो कह रहे थे कि जय। दशरथ सिंह झूठ कह रहे हैं, मानसिक संतुलन तो दशरथ सिंह का खराब हो चुका है। दशरथ सिंह ने मुझे मारने की कोशिश की है और इल्जाम लगाया है जय अग्निहोत्री पर। असली आतंकवादी तो दशरथ सिंह जैसे लोग हैं। समाज का असली दुश्मन दशरथ सिंह है, जय अग्निहोत्री नहीं। हॉस्पिटल पहुंच रहा है
बहुत मजे की मूवी थी यार, बहुत इंजॉय किया हमने। जो सीएम को मतलब सीएम ने उसको क्या, सीएम ने दूसरा जो है ना मिनिस्टर कोई है, होम मिनिस्टर पता नहीं क्या है जो दूसरा, उसके साथ बड़ा अच्छा मुखिया, उसके साथ बड़ा अच्छा हुआ। उसे लोग जो मारे थे ना, वो जो चिराग बोल रहा उसने फूल गुस्से मोटे मोटे हाथ सीट किए, बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो उनके ग्रुप में जो एक बड़े बाल वाला था ना, उसे एहसास हो गया था, उसे एहसास हो गया था कि वाकई में उसने गलत कुछ बिल्कुल यही बात है। बहुत मजा आई मूवी ओवरऑल देख कर, बहुत इंजॉय किया हमने, सारी इंटरेस्टिंग मूवी थी, कमाल की हुई थी। हाँ बहुत ज्यादा मजा आया, एक अच्छाई वाली जो सीख थी ना वो इस मूवी को देखकर मिली के भाई तीन वाली हमें मिली के तीन लोगों की मदद करनी है, और हमें कहना नेक्स्ट तीन की मदद करें यार। सच में बहुत एक नेक और अच्छा फार्मूला है ये। हाँ, तो बहुत अच्छा इस मूवी का मोरल और स्टोरी है काफी। बिल्कुल, तो आपको हमारे साथ ये मूवी देखकर कैसा लगा जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब और जल्द में गेट नोटिफिकेशन फॉर वीडियो। सो सी यू अगेन।